जलधारा विकास संस्थान द्वारा जिले के पक्षी ग्राम चामंडिया में जैव विविधता विकसित करने के लिए 350 पेड़ लगाए गए। जिला वन अधिकारी ज्ञानचंद के मुख्य अतिथि में आयोजित इस समारोह में फलदार, छायादार, फूलदार व औषधीय महत्व के 41 प्रजातियों के 350 पौधे विद्यार्थियों व ग्रामजनों की सहभागिता से किया गया। संस्थान अध्यक्ष महेश नवाल ने छात्रों को इन सभी प्रजातियों के पौधों का परिचय, गुणों एवं उपयोग बताया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला वन अधिकारी ज्ञानचंद ने उपस्थित ग्रामजनों एवं छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि लगातार खत्म होती वनस्पति से हमारा जीवन प्रभावित हो रहा है। अगर हमने अभी भी प्रकृति का संरक्षण नहीं किया तो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक जल एवं ऑक्सीजन भी हमें उपलब्ध नहीं होगा। उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जल शक्ति अभियान में छात्रों एवं आमजन को जुड़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड थायर डॉक्टर अरविंद जैन ने कहा कि चामंडिया एक नैसर्गिक स्थान है जहां काफी समृद्ध जैव विविधता देखने को मिलती है। उन्होंने यहां की जैव विविधता और विकसित करने के लिए सबको मिलकर विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण करने की अपील ग्रामजनों से की। ग्राम में सार्वजनिक स्तर पर पौधों की सुरक्षा में अपने सामाजिक सरोकारों को निभाते हुए होटल ला अबॉर्ड की ओर से रेखा कोठारी ने 10 ट्री गार्ड उपलब्ध करवाए। कार्यक्रम में पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल त्रिपाठी, क्षेत्रीय वन अधिकारी भंवरलाल बारेट, जलधारा विकास संस्थान उपाध्यक्ष आर के जैन, सचिव बालकृष्ण शर्मा, संस्था प्रधान उषा लाहोटी सहित विद्यालय स्टाफ, ग्रामजन एवं छात्र छात्राएं एवं ग्रामजन उपस्थित थे। तुलसी, पर कौन सी तुलसी है? ये श्यामा तुलसी है, काली तुलसी है ना। चलो चलो चलो, ये क्या है? इस पेड़ का नाम है सेमल। क्या है? इसका तना हरा होता है, एक ही पेड़ है इसका तना हरा होता है, सेमल का पेड़ है। इसके रुई आती है, रुई बंगाल के अंदर रुई के तकिए बनते हैं इसके। ये क्या है? अरे ये तो वो है, क्या बोलते हैं अपने, करुंदा। चलो चलो चलो, ये क्या है? क्या है? गुलमोहर। ठीक है, अध्यक्ष नेवाल जी के द्वारा ये चामुंडिया स्कूल के अंदर आज के विद्यालय है, इसमें पौधारोपण का कार्यक्रम किया। इसमें सभी सभी प्रजातियों के 40 प्रजातियां हैं, उनके पौधे जो है पौधारोपण किया जाएगा और बच्चों के द्वारा किया जाएगा। सबसे बड़ा है जो जन जागृति है, जो जल शक्ति अभियान के तहत जो जन जागृति और अवेयरनेस कार्यक्रम है, उसके लिए बहुत बड़ा बढ़िया कार्यक्रम है। बच्चों को पौधा लगाना भी सिखाया है, कैसे पौधा लगाना है, और बच्चों को बताया कि अपने अपने घर आंगन में अपने जहाँ भी जगह मिले वहाँ एक पौधा लगाएं। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है जल शक्ति अभियान के लिए।